दोस्तों मुझको सपोर्ट करने के लिए सिक्वार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे वाला बेल है ना उसको भी दबा दो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिल जाए। हाय गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त श्रीकांत, आप देख रहे हैं सिक्वार चैनल। गाइस आज मैं वन पेंसिल से एक आई बना कर दिखाऊँगा और थ्री पेंसिल से एक आई बना कर दिखाऊँगा। गाइस वन पेंसिल से कैसा लगता है ये आप देखेंगे। पहले आउटलाइन बना रहा हूँ मैं HB का मैकेनिकल जो पेंसिल है उसमें से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों आउटलाइन में बना लिया। आप देख सकते हैं ये 2B पेंसिल है, ओनली 2B पेंसिल से मैं इसी आई को पूरा करेंगे, ठीक है। जो आउटलाइन हिस्सा है उसको पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें तो 2B रहेगा ही, इसलिए 2B से भी वैसा ही कर ले रहा हूँ जैसे उस साइड किया। देख सकते वन पेंसिल से पहले शेडिंग करने के लिए हमको 2B जो है इसको हल्का हल्का चलाकर पेंसिल को यूज करके शेडिंग करने के लिए कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, इसमें हम अभी ब्रश का यूज करके इसको सेटिंग कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये पहला स्टेप हमारा पूरा हो चुका। अभी फिर से 2B पेंसिल को यूज करके थोड़ा प्रेशर लगा के हम डिटेलिंग में पूरा कर रहे हैं। देख सकते हैं इसमें भी थोड़ा डार्कनेस आ रहा है। गाइस ये हमारा हो गया, ये थोड़ा इरेजर देकर हम हाईलाइट कर ले रहे हैं। गाइस ये हो गया हमारा 2B पेंसिल से एक आई, ठीक है। जैसे ज़्यादा डार्क है वहीं पे थोड़ा पैसा लगा के 2B पेंसिल से पूरा बना रहे। तो आप देख सकते हैं ये 2B पेंसिल से आई को पूरा कर लिया, रियलिस्टिक लग रहा है लेकिन उतना सही नहीं लग रहा है क्योंकि ये 2B पेंसिल से यूज किया उसे। इसमें हमको दबाव भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, प्रेशर भी लगाना पड़ रहा है पेंसिल के ऊपर, पेपर स्टम्प देकर हम उसको ब्लेंडिंग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये 2B पेंसिल से एक आई बन गया, ये भी रियलिस्टिक जैसे लग रहा है। आप सोच रहे होंगे आपके पास दूसरा कोई पेंसिल नहीं है, खाली HB है ओनली, चाहे 4B है, आप एक ही पेंसिल से भी कर सकते हैं रियलिस्टिक ड्रॉ, लेकिन थोड़ा भी तो आप देख सकते हैं ये दूसरा मैं शुरू कर चुका। पहले 2B पेंसिल से पूरा शेडिंग का जो पार्ट है उसमें हल्का हल्का दबाव लगा के हम पेंसिल लगाकर कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी 3B पेंसिल यूज कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। उसमें तो सिर्फ 2B से काम चलाया था, ठीक है। अभी इसमें हम 3B का पेंसिल प्रयोग करके जो ब्रू है उसको भी कर दे रहे हैं।
देख सकते हैं हम 3B का पेंसिल यूज करके इसको थोड़ा किया। अब 10B का जो पेंसिल है उसको यूज करके हम इसको डार्क बना रहे हैं। ठीक है भाई, 10B सबसे ज़्यादा डार्क होता है और ये वाला पेंसिल तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आउटलाइन का जो 10B पेंसिल है ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी मैं 10B का पेंसिल प्रयोग करके इसको ज़्यादा डार्क बना रहा है, जहाँ जहाँ डार्कनेस है वहीं पे। इसमें ओनली 2B 3B एंड 10B का पेंसिल यूज किया हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रहा है। इसको हाईलाइट करने के लिए हम इरेजर का यूज करके जहाँ पर हाईलाइट है वहीं पे ये मैकेनिकल जो मोनो इरेजर है, मैकेनिकल नहीं सॉरी, ये मोनो इरेजर है, उसी को यूज करके हाईलाइट कर ले रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते बहुत ही अच्छे एक रियलिस्टिक आई बन गया। एक तरफ आप देख सकते एक 1 पेंसिल से रियलिस्टिक आई बनाने का कोशिश किया और इसमें 3 पेंसिल लगाकर रियलिस्टिक आई बनाया। तो गाइस ऐसा ही वीडियो देखते रहिए, अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में घंटे वाला बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। और गाइस कमेंट पे ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, आपको स्केच कैसा लगा। और गाइस इस वीडियो को जाते समय लाइक आपके तरफ से बनता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।